जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर अच्छे से जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए गाइज आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी जहां पर जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 2 अगस्त 2023 से लेकर के 23 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एज लिमिट कितनी है वो आप चेक करेंगे। इसके अलावा फीस यहां पर जनरल ओबीसी के लिए 100 है और एससी एसटी एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से यहां पर आपकी जो जानकारी है वो और भी डिटेल में देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी टोटल वैकेंसी कितनी निकाली गई है। ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आइए और आने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले कभी कोई भी फॉर्म इस एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके भरा है तो आपका अकाउंट यहां पर ऑलरेडी बना हुआ होगा। आप यहां पर आपका रेशन नंबर एंटर करेंगे, आपका पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आपने अकाउंट तो बनाया हुआ है और आपका जो रेशन नंबर है या फिर पासवर्ड है वो आप भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे? तो उसको रिकवर करने के लिए आप यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप अपनी परमानेंट स्टेट सिलेक्ट करेंगे जिसको सिलेक्ट करके आपने फॉर्म को भरा था। फिर यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी या फिर अपना नंबर भरेंगे, वही वाला जो कि आपने रेशन करते समय इस्तेमाल किया था। कोई एक चीज आपको यहां पर डालनी है और सबमिट करना है। नाउ गाइज आपके नंबर पर और ईमेल पर ओटीपी गया होगा। आप यहां पर कोई एक ओटीपी डाल दीजिए, चाहे मोबाइल वाला चाहे फिर ईमेल वाला। एंड इसके बाद ये सिक्योरिटी पिन डाल करके आप सबमिट कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका रेशन नंबर आ जाएगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आ जाएगी। अब आप यहां पर एक न्यू पासवर्ड बना लेंगे। आपका न्यू पासवर्ड कैसा होना चाहिए उसका एक एग्जाम्पल आप यहां पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर कम से कम एक कैपिटल लेटर और कम से कम आपका एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा और फिर आप यहां पर होम पेज पर आ जाएंगे। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है और इस बुक को पब्लिश किया गया श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। होम पेज पर आने के बाद में अब आपको जो आपका रेशन नंबर मिला है वो आप यहां पर डालिए यूजर नेम के अंदर और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो आप यहां पर डालेंगे और ये वेरिफिकेशन कोड आप यहां पर डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब गाइज अगर आप यहां पर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहां पर अकाउंट बनाना है यानी कि रेशन करना है। तो रेशन करने के लिए आप यहां पर न्यू यूजर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड गाइज रेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने अन्य वीडियो के अंदर बताया है जिसको मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि जब अभी मैंने रिसेंटली जेई के लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई थी तो इसमें मैंने रेशन का पूरा प्रोसेस बताया था। तो इसी वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से ले पाएंगे एंड फिर उसको वॉच करके आप रेशन जो है आपका वो कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे ही आप आपका रेशन कंप्लीट कर लेंगे एंड देन आप यहां पर अपनी डिटेल्स का इस्तेमाल करके लॉग इन करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना आगे का फॉर्म भरना है। तो गाइज आप जैसे ही लॉग इन कर लेंगे तो आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर आपकी जो पोस्ट है वो देखेंगे। आप यहां पर स्टेनोग्राफर फॉर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2023 के नाम से तो आप उस पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अभी मैं आपको लाइव इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि वेबसाइट का लिंक अभी अभी एक्टिवेट हुआ है और वेबसाइट में कोई सर्वर एरर है। जब
जब मैं यहाँ पर अपनी रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर रहा हूँ तो आ रहा है प्लीज़ चेक योर यूजर नेम। तो ये वेबसाइट का टेक्निकल एरर है जो कि कुछ वक्त में सही हो जाएगा। और ये वीडियो है मैं आपके लिए तुरंत बना रहा हूँ, लिंक एक्टिवेट होते ही यानी कि नोटिफिकेशन आते ही, अभी रात के 10:44 हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ टाइम के अंदर सही हो जाएगा, आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके सामने ये एरर है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो बेसिकली जैसे ही आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन से अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे इस वाली पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, तो आपके सामने यहाँ पर आपकी रेशन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें कि आपको यहाँ पर हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस बताया है। तो इसमें आप ये सब जानकारी चेक करेंगे। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आपको जो आंसर करना है यानी कि फॉर्म फिल करना है वो है आपका 15 पॉइंट की डू यू प्रोसेस नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, यानी कि जो स्टेनोग्राफी की नॉलेज है क्या वो आपको आती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। तो बेसिकली आप इसमें यस करेंगे। फिर है प्रीफ्रेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो एग्जाम सेंटर के लिए आप किसको प्रीफ्रेंस देते हैं, तो पहली प्रीफ्रेंस आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में आपकी थर्ड प्रीफ्रेंस, तीन प्रीफ्रेंस आप यहां पर एग्जाम सेंटर के लिए दे पाएंगे। फिर आता है 17.1 कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, और ये जो एक्स सर्विसमैन है ये आपके नॉर्मल भी है, और सर्विंग इन आर्म फोर्स यानी कि क्या आप आर्म फोर्स के अंदर सेवा कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद ये आपके सामने जो ग्रे में विकल्प है, ऑप्शन है, अगर ये एक्टिव नहीं है तो आपको इनको खाली छोड़ना है और फिर नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने 18.5 है जहाँ पर पूछे कि वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड यानी कि क्या आपको अतिरिक्त स्क्राइब चाहिए जो कि आपके जगह पर लिखे, अगर हाँ तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आपको इसमें नो करना है। इसके बाद विल यू मेक योर ओन अरेंजमेंट फॉर स्क्राइब यानी कि जो स्क्राइब है जो कि आपकी जगह पर लिखेगा क्या आप उसके लिए आप खुद से अरेंजमेंट करेंगे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप यहाँ पर इन दोनों में नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने 18.7 है कि इफ स्क्राइब इज टू बी अरेंज्ड बाय एसएससी देन इंडिकेट मीडियम, यानी कि अगर आप विकलांग है और अगर आपका स्क्राइब एसएससी के द्वारा अरेंज किया जा रहा है तो फिर आपको यहाँ पर आपका मीडियम बताना है कि इंग्लिश या फिर हिंदी। फिर आता है 19 पॉइंट जो कि सभी को आंसर करना है, वो है मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट का मीडियम आप क्या रखना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसको दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे। पोस्ट अप्लाइंग फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी पर अप्लाई करना है या फिर डी पर। तो जो पर भी जिस पर भी आप अप्लाई करें वही सेलेक्ट करके उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको वेरीफाई करना है। क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं, अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी है और आप ओवर एज हो चुके हैं तो तभी आप यहां पर यस कीजिएगा। फिर आप किस कैटेगरी के तहत छूट चाह रहे हैं वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। बट अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी है और आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहां पर नो कर दीजिएगा। इसके बाद आती है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी है वो आपको सेलेक्ट करनी है और वही हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, जो कि आप कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट नहीं करनी है। डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप यहां पर 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आता है स्टेटस, तो यहां पर आप क्वालिफिकेशन की जानकारी में स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे, पास, अगर अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर पासिंग ईयर आप 2023 सेलेक्ट करेंगे, जो भी बेसिकली आपका पासिंग ईयर है वही आपको बताना होगा कि कब आपने 12वीं पास की है। इसके बाद में यहां पर आप बताएंगे कि कौन से स्टेट से आपने आपकी 12वीं की है। नेम ऑफ बोर्ड अगर आपका यहां पर लिस्ट के अंदर है तो आप सेलेक्ट कर लेने, तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप 12वीं का रोल नंबर देंगे और अपनी परसेंटेज भर देंगे। जिनके नंबर सीजीपीए के अंदर है वो परसेंटेज खाली छोड़ेंगे और सीजीपीए भरेंगे, और जिनके नंबर परसेंटेज में है वो परसेंटेज भरेंगे और सीजीपीए को खाली छोड़ देंगे। 24 पॉइंट है कि क्या आप अपनी इंफॉर्मेशन एसएससी को देना चाहते ताकि वो आपको आगे फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज से जुड़े हुए ईमेल्स सेंड करते रहे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसमें चाहे आप यस करें चाहे नो करें आपके फॉर्म पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी पूरी चॉइस है, इसमें चाहे यस कर दीजिए या फिर नो कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका एड्रेस है कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस जो कि आपको वेरीफाई करना है, एंड इसके बाद में आप यहाँ पर आपका फोटो साइन अपलोड करेंगे। फोटो आपको यहाँ पर बोला है कि 3 मई 2023 के बाद का लिया होना चाहिए। फोटो का साइज 20x50 kb, सिग्नेचर का साइज 10x20 kb। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके सिंपली जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसी प्रकार से आप अपना सिग्नेचर भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर 28 पॉइंट में आपसे पूछा कि क्या आपने फोटोग्राफ 3 मई 2023 के बाद में लिया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे, तो आप बेसिकली इसमें यस कर दीजिए। इसके बाद में यहां पर गाइस आपके सामने डिक्लेरेशन है, आप इसको रीड करते हुए कैप्चा कोड फिल करेंगे और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जितनी भी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है उसका प्रीव्यू आ जाएगा। आप सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे आकर के सबमिट कर देंगे। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं वो डायरेक्टली उनको यहां पर फीस पे करने का ऑप्शन मिलेगा, और जो एससी एसटी से है वो डायरेक्टली अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।
और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फीस को जमा करने में कोई एरर आ जाता है, तो आप यहाँ पर वेबसाइट पर आकर के लॉगिन कर लेंगे और फिर डैशबोर्ड से आप पेमेंट स्टेटस, आपके फॉर्म का प्रिंट, ये सब यहाँ पर आप ले पाएंगे। तो गाइज इस तरह से आप अपना फॉर्म भरेंगे। अगर आपके सामने अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। एंड अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया है किसी भी ऑप्शन को लेकर के, किसी भी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।